राष्ट्रपति चुनाव पर बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि इसके लिए हमारे नेता नीतीश कुमार के निर्णय से ही फैसला होगा। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मामले में बैठकर बातचीत करे। मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो रही है, हमारे नेता तय करेंगे क्या होना है, बाकी डिसीजन तो मेटे नेटे ने लेंगे। पहले भी आप लोग जहां रहते हैं उससे अलग वोट कट 15 में तो हम लोग किए थे, 16 में तो हम लोग NDA में नहीं थे, लेकिन फिर भी उम्मीदवार अच्छे थे, बिहार के गवर्नर थे, तो हम लोगों ने ऐसा किया था। ये तो पार्टी का उम्मीदवार कोई होता नहीं ना, सभी लोगों की राय लेकर की जाती है, तो राय जो अच्छे उम्मीदवार होंगे तो स्वाभाविक रूप से हमने बैठक पर किया है। ममता बनर्जी ने भी बैठक किया, उन्होंने कहा है कि साधा उम्मीदवार होंगे, क्या उस पर भी नजर रही आपकी? उस पर नजर नहीं रहेगी, हम लोग आंख बंद कर लेंगे। देखिए क्या क्या हो रहा है, अब जब नॉमिनेशन होगा इसके बाद ही इस पर पूछेगा कुछ, कोई कचरा नहीं। अभी तक 3-4 लाख लग चुका है, ग्रेजुअली लग रहा है, केवल न्यूज छप रहा है, कहीं से विरोध का कोई स्वर नहीं आ रहा। एक नई समस्या ये आ रही है कि जो रिचार्ज जब करते हैं उससे 7 से 8 घंटे लग जा रहे हैं वापस बिजली आने में, ये अनावश्यक बात। इसको एग्जामिन करवाया हमने, शुरुआती दौर में तो थोड़ा लगेगा, शुरुआती दौर में कोई भी आप भी जैसे ये लगा रहे हैं, कभी कभी नहीं गड़बड़ हो जाता तो उसको ठीक करते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लंबा प्रॉब्लम है, प्रारंभिक दौर का प्रॉब्लम है। हाँ, उसका पूरा सिस्टम डेवलप किया गया। सर अग्निपथ को लेकर फिर विरोध प्रदर्शन हो रहा छात्रों का, सेना वाला मामला, भारत सरकार के को इस पर लोगों से राय लेनी चाहिए, लोगों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, अपील करेंगे छात्रों से शांति बनाए। हम लोग इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत सरकार का मामला, हम लोग भी भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब विरोध हो रहा है तो उनके यूनियन वगैरह के साथ जो ग्रुप है उनके साथ बैठ करके लोग